तो भाई कैसे हो आप लोग। तो आज अपन Realme 6i के अंदर गेमिंग टेस्ट करेंगे, बेसिकली PUBG टेस्ट करेंगे। तो इसके अंदर क्या कुछ ग्राफिक्स मिलता है, क्या कुछ हीटिंग होता है, क्या कुछ टेम्परेचर मिलता है, तो सब कुछ देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई इसके अंदर अपन एक TDM मैच खेलेंगे 490Hz पे और 460Hz दोनों के अंदर 4:4 मैच खेलेंगे, इसलिए क्योंकि एक मैच स्मूथ में, एक बैलेंस में, एक HD पे, एक HDR अल्ट्रा में, ठीक है। तो भाई इसके अंदर अपन मोबाइल नेटवर्क से गेम प्ले करेंगे, बेसिकली जियो के नेटवर्क से गेम प्ले करेंगे, ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि मोबाइल नेटवर्क से क्या कुछ परफॉर्मेंस मिलता है आपको। तो भाई इसके अंदर अपन ब्राइटनेस फुल करके खेलेंगे, तो ताकि ये पता लग जाए आपको कि बैटरी ड्रेन कितना होता है ब्राइटनेस फुल करके। तो भाई इसी की प्राइस पॉइंट में जो भी फ़ोन आता है उससे अकॉर्डिंग ये फ़ोन थोड़ा बेहतर है डिस्प्ले के मामले में, क्योंकि इसमें 90Hz डिस्प्ले। तो भाई पहले अपन 90Hz ऑन करके खेलेंगे, देखेंगे क्या कुछ बैटरी बैकअप मिलता है, क्या कुछ टेम्परेचर आता है, ठीक है। तो भाई टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर 38 के आसपास है, ठीक। तो भाई बैटरी को भी एक बार चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो बैटरी की बात की जाए तो बैटरी लगभग आपको 85% है, ठीक है। तो भाई ऑन कर लेते हैं PUBG और उसके साथ एक टाइमर भी ऑन करेंगे, ताकि आपको ये पता लग जाए कि टोटल कितना गेम प्ले हुआ है और कितना बैटरी ड्रेन हुआ है। तो भाई ऑन हो चुका है हमारा PUBG। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे किस तरीके से ग्राफिक्स मिलता है आपको। तो भाई ग्राफिक्स की बात की जाए तो ग्राफिक्स स्मूथ में एक्सट्रीम बैलेंस पे अल्ट्रा, HD पे अल्ट्रा और HDR पे अल्ट्रा पे रन करता है। तो भाई अपन जायरोस्कोप भी ऑन कर लेंगे, देखेंगे जायरोस्कोप क्या कुछ काम करता है, ठीक ठाक काम करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो भाई फर्स्ट मैच अपन स्मूथ एक्सट्रीम पे खेलेंगे, तो ठीक है ऑन करते हैं, ठीक है। तो भाई हर एक मैच आपको 1 से 1.5 मिनट तक देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा की तो बहुत ही लंबा हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है। तो भाई जायरोस्कोप भी ठीक ठाक काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जायरो पे, ठीक है। तो भाई गेम के अंदर कोई लैग लुक देखने को नहीं मिल रहा है, गेम पूरा स्मूथ चल रहा है, ठीक है। तो ग्राफिक्स तो आप देख ही सकते हो, ग्राफिक्स भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है, मेरे पास ऐसा कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ख़त्म हो चुका है हमारा गेम प्ले, किल कुल भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल चुका है, ठीक है। 19 किल तुम्हारा भाई पीरो है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं टेम्परेचर और बैटरी ड्रेन कितना होता हुआ है, ठीक। तो भाई टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर 46 डिग्री है। तो भाई बैटरी की बात की जाए तो बैटरी आपको लगभग बैटरी आपको 83% मिल रहा है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट अपन बैलेंस और अल्ट्रा पे गेम प्ले करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसा क्या ग्राफिक्स मिलता है, ठीक है। तो भाई एंजॉय कीजिए आप गेम प्ले, ठीक है। तो गेम की एंड में आपको आपके साथ मिलते हैं अपन, ठीक है। तो बैलेंस की जो ग्राफिक्स है ठीक ठाक है, मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। लेकिन स्मूथ और एक्सट्रीम में जो परफॉर्मेंस मिल रहा था वो नहीं है। और फ्रेम ड्रॉप की बात की जाए तो थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप है, हल्का फुल्का सा, ठीक है, वो इतना मायने नहीं रखता, ठीक है। तो भाई ख़त्म हो चुका है हमारा गेम।
तो भाई टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर यहाँ पे 47 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो 1 डिग्री इंक्रीज हुआ स्मूथ से, ठीक है। तो भाई बैटरी की बात की जाए तो बैटरी 81% पे है भाई, 2% ड्रॉप हुआ है। तो अगली गेम प्ले की ओर चलते हैं, ठीक है। तो भाई एंजॉय कीजिए आप गेम प्ले, ठीक है। तो गेम की एंड में आपको आपके साथ मिलते हैं अपन, ठीक है। तो भाई HD की ग्राफिक्स की बात की जाए तो HD की ग्राफिक्स ठीक ठाक है, मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो भाई स्मूथ में जितना स्मूथ मिल रहा था ग्राफिक्स उतना स्मूथ नहीं है। और FPS की बात की जाए तो FPS मेरे को उतना फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो भाई ख़त्म हो चुका है हमारा गेम प्ले। तो पहले अपन नाप लेंगे टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर आपका 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो पिछले गेम से 1% इंक्रीज हुआ है। और बैटरी की बात की जाए तो बैटरी आपको 77% मिलता है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, ठीक है, पिछले गेम से 2% ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, 4% ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट गेम प्ले की ओर जाते हैं। तो भाई एंजॉय कीजिए आप गेम प्ले, ठीक है। तो गेम की एंड में आपको आपके साथ मिलते हैं अपन, ठीक है। तो भाई HDR गेम प्ले की बात की जाए तो HDR गेम प्ले मेरे को सच बहुत ही बढ़िया लगा, उतना ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक है, मतलब उतना फ्रेम ड्रॉप नहीं है, लेकिन स्मूथ की तरह उतना स्मूथ नहीं है, फिर भी ठीक है। आप देख सकते हो ग्राफिक्स कैसा है, शैडो वगैरह जो भी है और ग्रास की तरफ जो भी है, ठीक है, बहुत ही क्लियर है, तो ठीक ठाक है। तो भाई ख़त्म हो चुका है हमारा गेम प्ले। तो HDR गेम प्ले की बैटरी परसेंट की बात की जाए तो बैटरी परसेंट 3% डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो मतलब 74% है अभी। और टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर आपका 49 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो भाई अब अपन 60Hz पे गेम प्ले करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं क्या ग्राफिक्स मिलता है, क्या स्मूथ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई एंजॉय कीजिए आप गेम प्ले, ठीक है। तो गेम की एंड में आपको आपके साथ मिलते हैं अपन, ठीक है।
तो भाई गेम के अंदर कोई लैग लुक देखने को नहीं मिल रहा है, गेम पूरा स्मूथ चल रहा है। ठीक है, तो ग्राफिक्स तो आप देख ही सकते हो, ग्राफिक्स भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मेरे पास ऐसा कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई ख़त्म हो चुका है हमारा गेम प्ले। तो भाई टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर लगभग आपको 48 डिग्री के आसपास मिल रहा है। ठीक है, तो जो कि पिछले टेम्परेचर से एक डिग्री डिक्रीज हुआ है। और बैटरी बैकअप की बात की जाए तो बैटरी परसेंटेज अब 71% है। ठीक है, तो भाई एंजॉय कीजिए आप गेम प्ले। ठीक है, तो गेम की एंड में आपको आपके साथ मिलते हैं अपन। ठीक है, तो बैलेंस की जो ग्राफिक्स है ठीक ठाक है, मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, लेकिन स्मूथ और एक्सट्रीम में जो परफॉर्मेंस मिल रहा था वो नहीं है। और फ्रेम ड्रॉप की बात की जाए तो थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप है, हल्का फुल्का सा। ठीक है, वो इतना मायने नहीं रखता। ठीक है, तो भाई ख़त्म हो चुका है हमारा गेम प्ले। तो भाई बैलेंस की गेम प्ले ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर मिल रहा है वो है 47 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि काफ़ी बढ़िया है, एक डिग्री डिक्रीज हुआ है पिछले गेमों से। और बैटरी परसेंटेज की बात की जाए तो बैटरी परसेंटेज लगभग आपको 68% मिल रहा है। ठीक है, तो बढ़ते आगे की गेम की तरफ। तो भाई एंजॉय कीजिए आप गेम प्ले। ठीक है, तो गेम की एंड में आपको आपके साथ मिलते हैं अपन। ठीक है, तो भाई HD की ग्राफिक्स की बात की जाए तो HD की ग्राफिक्स ठीक ठाक है, मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो भाई स्मूथ में जितना स्मूथ मिल रहा था ग्राफिक्स उतना स्मूथ नहीं है। और FPS की बात की जाए तो FPS मेरे को उतना फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो भाई ख़त्म हो चुका है हमारा गेम प्ले। तो भाई ख़त्म हो चुका है हमारा HD गेम प्ले। ठीक है, तो पहले अपन टेम्परेचर नाप लेंगे, उसके बाद बैटरी परसेंटेज कितने वो नाप लेंगे। तो टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर लगभग आपको यहाँ पे मिल रहा है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि पिछले गेम से एक डिग्री इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो बैटरी परसेंटेज की बात की जाए तो बैटरी परसेंटेज लगभग आपको 65% मिल रहा है, जो कि पिछले गेम से 3% ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो भाई एंजॉय कीजिए आप गेम प्ले। ठीक है, तो गेम की एंड में आपको आपके साथ मिलते हैं अपन। ठीक है, तो भाई HDR गेम प्ले की बात की जाए तो HDR गेम प्ले मेरे को ऐसा जो बहुत ही बढ़िया लगा, उतना ज़्यादा खराब नहीं है। ठीक है, मतलब उतना फ्रेम ड्रॉप नहीं है, लेकिन स्मूथ की तरह उतना स्मूथ नहीं है, फिर भी ठीक है। आप देख सकते हो ग्राफिक्स कैसा है, शैडो वगैरह जो भी है और ग्रास की तरफ जो भी है, ठीक है, बहुत ही क्लियर है, तो ठीक ठाक है। तो भाई ख़त्म हो चुका है हमारा गेम प्ले। तो भाई यहाँ पे हमारा HDR गेम प्ले ख़त्म हो चुका है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे टेम्परेचर और बैटरी परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो पहले टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर लगभग आपको 49 डिग्री के आसपास मिल रहा है, जो कि पिछले गेम से एक डिग्री इंक्रीज हुआ। और बैटरी परसेंटेज की बात की जाए तो बैटरी परसेंटेज आपको 63% मिल रहा है। ठीक है, तो भाई कंक्लूशन की बात की जाए तो कंक्लूशन ये है कि भाई 52 मिनट के गेम प्ले हुआ है। ठीक है, वहाँ पे 22% बैटरी डिक्रीज हुआ है, तो भाई इतना बैटरी डिक्रीज नहीं होएगा, क्योंकि पहली बात तो ये है अब ब्राइटनेस फुल करके नहीं खेलोगे, और दूसरी बात ये है आप कान में ईयरफोन डाल के खेलोगे, जिससे आपका बैटरी इतना डिक्रीज नहीं होएगा। ठीक है, तो भाई टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर 38 to 50 डिग्री के आसपास रहा। ठीक है,
तो भाई 12 डिग्री इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो भाई इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो नॉर्मल अपने आप जो भी फ़ोन ले लो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका 10 से 12 डिग्री इंक्रीज़ होएगा ही होएगा। अगर आप गेम खेलते हो तो वहाँ पे 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ होएगा, ठीक है। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि G90T हीट नहीं करता, G90T ऑब्वियसली हीट करता है, ठीक है। ये आपको जानकारी लेना पड़ेगा कि G90T आपको हीट करता है, ठीक है। तो भाई गेमिंग की बात की जाए तो गेमिंग की एक्सपीरियंस मेरे को बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि 13,000 प्राइस पॉइंट में इससे बढ़िया फ़ोन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी लैग फ्रेम ड्रॉप उतना ज़्यादा नहीं मिला मेरे को, और 13,000 के प्राइस पॉइंट में मतलब ये बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, ठीक है। तो भाई अगर आप 13,000 के प्राइस पॉइंट में गेमिंग के लिए कोई फ़ोन लेना चाहते हो तो ये फ़ोन आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो भाई 4GB 64GB की रेंज में तो फिलहाल ये अपडेट नहीं है कि स्मूथ एक्सट्रीम में प्ले कर सकते हो, लेकिन शायद मेरे को ये लगता है कि इन फ्यूचर अपडेट के साथ ये आ जाएगा कि स्मूथ एक्सट्रीम में प्ले कर सकते हो, क्योंकि रियलमी 6 में भी ऐसे हुआ था, ठीक है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरे कोई वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।